Good morning, student. My name is Supriya and I'm from Premchand Memorial Public School. Students, today we are doing chapter 16 that is, growing plants. Okay, let's start the chapter. We see plants all around us. Plants have life, they need sunlight, air, water, and soil to grow. They are of many kinds. Plants can be small, big, weak, strong. Okay. प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरी वेयर बच्चे प्लांट जो होते हैं हमारे आस पास हैं हमारे हम अगर देखेंगे दे आर ऑल अराउंड ओके देव लाइफ उनके अंदर लाइफ भी होती है एंड दे नीड उनको चाहिए होता है सनलाइट एयर वाटर एंड सॉइल टू ग्रो बढ़ने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं और दे आर ऑफ मैनी काइंड्स कई तरह के होते हैं जैसे वो बिग भी हो सकते हैं स्मॉल भी वीक भी स्ट्रांग भी और ये हर जगह उगते हैं जैसे कि दे ग्रो इन ट्रीज इन फॉरेस्ट कैक्टस इन डेजर्ट एंड अंडरग्राउंड प्लांट इन वाटर हम आपने कभी सोचा भी नहीं होगा या पता होगा कुछ में आप कुछ बच्चों को क्योंकि हम लोग आजकल जोग्राफिक जोग्राफिक चैनल वगैरह देखते हैं ना डिस्कवरीज़ उसमें भी हम देखते रहते हैं डिस्कवरी चैनल इन ऑल में कि कैक्टस भी देखते हैं हम उग रहे हैं और अंडर वाटर प्लांट्स भी अगर हम स्कूबा डाइविंग वगैरह कभी देखेंगे तो उसमें देखेंगे ना जब जो डाइवर्स अंदर जाते हैं उन्हें प्लांट्स भी दिखाई देते हैं अंदर जो ग्रो कर रहे होते हैं ओके नाउ लेट्स स्टार्ट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर देयर लेट्स सी ट्रीज़ फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीज ट्रीज आर वेरी बिग प्लांट्स दे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग दे हैव थिक वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक मैनी ट्री लिव अप टू हंड्रेड ईयर्स ट्री ट्रीज जो होते हैं बचे बिग होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं टॉल होते हैं उनकी जो ये वुडी स्टैम होती है दैट इज नोन एज ट्रंक एंड दे लिव अप टू हंड्रेड ईयर्स एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज आर मैंगो ट्री एंड गुलमोह ट्री ना लेट्स रीड द बिट्स एंड बाइट्स स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स सच एज रोज एंड जासमिन गिवस परफ्यूम्स अब हम सबको पता है कि फ्लावर्स जो होती है बड़ी प्यारी सी स्मेल देते हैं और वो स्मेल उनके देने के कारण हम दे गिव्स अस परफ्यूम्स हम लोग फ्लावर से फ्लावर को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग परफ्यूम्स लगाते हैं निकालते हैं ओके okay? और वी यूज़ देम ओके नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर एटी टू शॉप शब एंड बुशेस आर शॉर्टर देन ट्रीज दे हैव मैनी ब्रांचेस दे लिव ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स अब शब्स जो होते हैं बुश जो होते हैं शॉर्टर होते हैं किससे होते हैं ट्रीज से शॉर्टर होते हैं और उनकी कई सारी ब्रांचेज होती हैं एंड दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स दे आर प्लान कॉटन प्लांट लेट्स टॉक अबाउट हर्ब्स स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स वी यूज हर्ब्स इन आवर फूड एवरी डे दे आर ऑल्सो यूज इन मेडिसन्स देव ओनली फॉर वन सीजन अब बच्चे हर्ब्स जो हैं बड़े सॉफ्ट स्टेम वाले होते हैं लाइक कोरिएंडर प्लांट एंड मिंट प्लांट ओके हम उनको अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं और वी यूज इट एज अ मेडिसन यू लिव फॉर ओनली वन सीजन नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रीपर क्रीपर्स आर प्लांट विच ग्रो अलोंग द ग्राउंड दे हैव अ वीक स्टेम अब क्रीपर जो होते हैं क्रीप करते हैं मतलब जो जमीन पर पैदा होते हैं मतलब बेल उनकी जमीनें बेलों पे ही क्रीप करती हैं ओके रेंगती है मतलब वहीं पे जम जमती हैं दे आर पम्पकिन एंड वाटर वेलन मेलन नाउ क्लिम्बर क्लिम्बर आर वीक प्लांट्स दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट एंड नीड सपोर्ट टू ग्रो अप क्लिंबर्स जो होते हैं उनकी वीक प्लांट्स होते हैं ये अपने आप में खड़े नहीं हो जाते दे खड़े हो सकते दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड दे देबर्स Example are pea plant, grape wine. Now, here are some letters given to get the name of a plant. We have to unscramble them. Okay, what is this? This is a mango, M A N G O, pumpkin, rose, grape wine. Got it, student? Now, come to the page number 83. Now, parts of a plant, just like our body, different parts. एंड ईज डज अ डिफरेंट जॉब अ प्लांट्स ऑल्सो है डिफरेंट पार्ट विच डू डिफरेंट जॉब लेट एस लर्न अबाउट दैम जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैंड्स हैं लेग्स हैं एंड वी डू डिफरेंट जॉब्स विद दैम हम उससे हर बॉडी पार्ट एक डिफरेंट काम करता है जैसे आइज से हम देखते हैं नोज से हम स्मेल करते हैं ऐसे ही प्लांट में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनके डिफरेंट काम होते हैं नाव लेट्स टॉक अबाउट दैम Roots. Roots hold the plants in the ground. They take in water and minerals from the soil and store the food in the leaves of the plant. Turnip, carrot, radish are some roots that are eaten as food. Now roots, roots It holds plant in the ground. hold And it takes water and minerals. An example of roots are turnip, carrot, radish. Now let's talk about stems. स्टेम होल्ड अप द लीवस एंड फ्लावर्स ऑफ अ प्लान्ट ऑल द अदर पार्ट ऑफ अ प्लान ग्रो फ्राम द स्टेम दे कैरी फूड एंड वाटर रॉउंड द प्लान स्टेम ऑफ सम प्लान आर यूज एट फूड अब स्टेम क्या होती है बच्चे स्टेम होल्ड फ्लावर्स लीव्स ओके देखो ये स्टेम सेम जिन्होंने लीवस एंड फ्लावर्स को होल्ड करते हैं और अदर पार्ट ऑफ अ प्लान ग्रो फ्रॉम द स्टेम जो अदर पार्ट हैं लाइक like बर्ड फ्लावर दे स्टेम दे ग्रो फ्रॉम द स्टेम ओनली ओके और ये क्या करती है इट कैरीज फूड एंड वॉटर टू द प्लांट्स और इसके कई स्टेम्स को वी यूज टू ईट इट हम उसको खाते भी हैं लाइक शुगर कैन बैम्बो नाउ लेट्स नो अबाउट लीवस लीव ग्रो फ्रॉम अ स्टेम और ब्रांच लीव्स कहाँ से ग्रो होती है इट्स ग्रो फ्रॉम अ स्टेम और ब्रांच। दे मेक अ फूड फॉर द प्लांट। दैट्स इट इज़ नोन एज किचन ऑफ अ प्लांट लीव्स खाना बनाती है प्लांट के लिए दैट्स इट इज़ किचन ऑफ़ अ प्लांट कैबेज स्पिनेच एंड कैबेज एंड स्टेच आर अबाउट बर्ड बर्ड ब्लॉसम्स इन टू अ फ्लावर फ्लावर ग्रोज इन टू अ फ्रूट अब ब्लर्ड बर्ड जो है किसमें बनती है फ्लावर में कन्वर्ट होती है एंड फ्लावर फ्लावर किसमें बनता है फ्रूट में फ्रूट मेक्स सी और हम वी ईट द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट हम कुछ प्लांट के फ्रूट्स खाते भी हैं लाइक वी इट मैंगो एप्पल पपाया एक्सेट्रा ना लेट्स टॉक अबाउट फ्लावर्स वी इट सम फ्लावर्स सर्च एस फ्लावर्स कॉली कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स सीड ग्रोज इनटू टू न्यू प्लांट वी यूज द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स एज फूड अब फ्लावर्स ईट सम फ्लावर्स लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रू ब्रोकली ये फ्लावर्स हम खाते हैं और सम फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम जैसे कि मैंने हमने बिड्स एंड बाइट्स में पढ़ा कुछ फ्लावर्स जो होते हैं रोज जैसे रोज़ जैसमिन वी दे आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम सच ग्रोज इन टू अ न्यू प्लांट सीड्स जो हैं हैंट ग्रोज इन टू अ न्यू प्लांट वी यूज सीड्स ऑफ सम प्लांट एज फूड कुछ सीड्स को हम कुछ सीड्स को हम फूड की तरह यूज़ करते हैं नाउ कम टू द पेज नंबर एटी फोर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दिस इज अ फ्लावर दिस इज़ अ बर्ड यानि कली फूल लीफ पत्ते ब्रांच टहनिया फ्रूट फल स्टेम रूट्स जड़ें गॉट इट स्टूडेंट नाउ लेट्स रीड अबाउट यूजेज ऑफ प्लांट प्लांट आर यूजफुल टूअर्स इन मैनी वेज प्लाट्स जो है हमारे लिए कई तरह से यूजफुल है जैसे वी गेट मेनी थिंग्स फ्राम प्लांट्स कई चीज़ें मिलती है लाइक वोट कॉटन जूट मेडिसन्स रबर काइंड्स ऑफ ऑयल स्पाइसिस टी कॉफी कोकोवा नॉट ओनली दिस वी गेट अ फ्रेश एयर फ्रॉम प्लांट्स हमें फ्रेश एयर भी मिलती है प्लाट्स मेक आवर वर्ल्ड ग्रीन एंड ऑल्सो कीप्स द एयर क्लीन मस्ट ग्रो मोर प्लांट्स एंड टेक केयर ऑफ देम हमें नए कई प्लांट उठा उगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए नाउ लेट्स हैव अर लुक इन अट से देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट कई डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हैं प्लांट ग्रो ऑलमोस्ट एवरी वेयर प्लांट जो है ज्यादातर कई जगह उगते हैं ट्रीज ह शर्ब्स क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स प्लांट्स नीड सनलाइट एयर एंड वाटर एंड सॉयल टू ग्रो रूट्स टैंड लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा समझ में आ गया होगा नाव वट यू हैव टू डू प्लीज़ लिसन द वीडियो केयरफुली उसके बाद स्टार्स solving your given assignment okay you have to do this and this in your textbook and this one in your notebook okay do your assignment well and send back to me on time all the best student